सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज विद राहुल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने वीडियो को मतलब जब वीडियो चिपक जाता है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे ही स्मूथली रन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं नॉलेज विद राहुल। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें माई कंप्यूटर्स पे क्लिक करना है और उसे हमें ओपन कर लेना है। जब माय कंप्यूटर्स आपका जब ओपन हो जाएगा तो आपको लोकल डिस्क सी में सी को क्लिक करना है, उसे ओपन कर लेना है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, लोकल डिस्क सी ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें वीडियो लेन करके एक फोल्डर होगा उसे ढूंढना है। जैसे कि देख रहे हैं वीडियो लेन मुझे यहाँ पे नीचे मिल गया है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया है और ये खुल चुका है। उसके बाद VLC नाम का एक फोल्डर होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे हमें जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट थर्ड में आपको VLC एपेक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके हमें इसको ओपन करना है। और अगर दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना होगा। अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया तो पहले आप इसे इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ही आपका ये जो मतलब है वीडियो आपका स्मूथली रन कर पाएगा। और अब दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो VLC मीडिया प्लेयर खुल चुका है। और यहाँ पे हमें जैसे कि देख सकते हैं हमें यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है दोस्तों, ना कि कहीं और पे। टूल्स पे क्लिक करके हमें प्रेफरेंस में जाना है, जैसे Ctrl+P, आप चाहे तो कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिसेट प्रेफरेंस पे क्लिक करना है जो कि लास्ट में कॉर्नर में है। यहाँ पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको हमें ओके कर देना है। अगर उसे ओके करते ही थोड़ी देर हमें वेट करना है, कुछ सेकंड के लिए रुक जाना है। आप कुछ सेकंड के बाद वापस टूल्स पे हमें क्लिक करना है और वापस हमें प्रेफरेंस खोलना है। जैसे कि आप यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं सिंपल की जगह हमें ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने ऑल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ नीचे वीडियो नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, उस पर ढूंढना है वीडियो। और अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि है ड्रॉपलेट फ्रेम्स और स्किप फ्रेम्स, मेरे यहाँ पहले से ही क्लिक किया हुआ है। अगर आपके क्लिक किया हुआ नहीं है तो इसे दो बार इसे क्लिक कर दीजिए, मैं यहाँ करके बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि हमें नीचे की तरफ जैसे इसके बाद हमें आउटपुट मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पे साइड में कॉर्नर में आपको डिफ़ॉल्ट दे के रखा होगा, उसकी जगह डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमें किसी को चूज़ नहीं करना, डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट 3D वीडियो आउटपुट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें सेव कर देना है। तो दोस्तों आपका ये जो है ये आपका सेव हो चुका है। अब इसके बाद आपका जो वीडियो है वो 100% बिल्कुल स्मूथली चलेगा। और दोस्तों इसके लिए आपको पहले VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा और आपके PC में इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।